नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बेरोजगार युवा और किसान मिलकर इस बार भाजपा को कुर्सी से लाएंगे सड़क पर। कोविड-19 में जब मजदूर बनकर मुंबई से पैदल घरों को आ रहे थे तो उनसे सहानुभूति जताने के बजाय प्रधानमंत्री ने उन्हें सुपर स्प्रेडर कहकर यूपी के मजदूरों का किया था अपमान। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि भाजपा सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। इस सरकार ने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन यह वादे सरकार पूरी नहीं कर पाई। यह सब जुमला साबित हुआ। इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। देश में भाजपा की नीतियों को देखकर भाजपा के खिलाफ माहौल बन रहा है। सभी विपक्षी दलों में एका बनाने का प्रयास जोर पकड़ चुका है। उन्होंने कहा कि यह संसद के गठन के बाद ही संसद तय करती है, यह सवाल तो बाद में आएगा। श्री मलिक ने कहा कि जब तक सरसों सोयाबीन आदि किसानों के घर पर होते हैं तो कीमतें गिरती जाती है। जैसे ही अडानी बाबा रामदेव उसे खरीद कर अपने गोदामों में लाते हैं वैसे ही कीमतों में उछाल आ जाता है। यह प्रधानमंत्री की नीतियों की खामी है जिससे देश का गरीब और गरीब और अमीर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में जब मजदूर बनकर मुंबई से पैदल घरों को आ रहे थे तो उनसे सहानुभूति जताने के बजाय प्रधानमंत्री ने उन्हें सुपर स्प्रेडर कहा था। कहा कि पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा में चुनाव हो रहे हैं। गोवा में तो मुख्यमंत्री अपनी सीट बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो भय का माहौल बनाया गया, पत्रकारों तक को बोलने लिखने की आजादी छीन ली गई, बेरोजगार युवा और किसान मिलकर इस बार भाजपा को कुर्सी से सड़क पर लाने का काम करेंगे। इस मौके पर जाहिद बैग, असद अंसारी, शालिनी यादव, बाल विद्या विकास यादव, हृदय नारायण प्रजापति, शोभा राज यादव, आरिफ सिद्दकी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, साजिद अंसारी, अली शेर खान, हसनैन अंसारी, कामिल अंसारी, सगीर एजाज, अरुण मौर्य, काशी यादव, डॉक्टर ए रहमान, डॉक्टर खाजा विजय सोनकर, नफीस डायर, सरफराज अंसारी, पन्नालाल यादव आदि मौजूद रहे। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, ओबेदुल्लाह असरी की रिपोर्ट। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज के साथ।